हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में केटोरॉल डीटी टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। केटोरॉल डीटी टैबलेट का मुख्यतः उपयोग तीव्र दर्द की समस्या दूर करने में किया जाता है। आइए इस टैबलेट के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। ये टैबलेट कैसे काम करती है, क्या इस्तेमाल होती है, इस टैबलेट के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, इस टैबलेट से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेट्स कंपनी की ये 15 टैबलेट की स्ट्रिप आपको किसी मेडिकल स्टोर पर 110 रुपए में आसानी से मिल जाएंगी। बात करते हैं इसमें मौजूद कंटेंट के बारे में। केटोरॉल डीटी टैबलेट में केटोरोलैक ट्रोमेथामाइन 10 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद केटोरोलैक यह ड्रग नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के क्लास में आता है। यह बॉडी में उन केमिकल मैसेंजर को रोकता है जो दर्द और सूजन का कारण बनते हैं। बात करते हैं इस टैबलेट की यूजेस की। डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। इस टैबलेट का उपयोग बुखार, तीव्र दर्द की समस्या, दांत में दर्द, ऑपरेशन के बाद होने वाला दर्द, सिर दर्द, मांसपेशियों का दर्द जिसे हम मस्कुलर पेन भी कहते हैं, आँखों के ऑपरेशन के बाद आँखों में सूजन आना या आँखों में दर्द होने की समस्या, इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं इस टैबलेट के डोसेस के बारे में। आप अपनी समस्या बताकर इस टैबलेट का डोस अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ ले। याद रखें दोस्तों, इस टैबलेट का डोस आपकी समस्या पर निर्धारित रहता है, इसलिए आप इसे हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लीजिए। वयस्क व्यक्ति यानी एडल्ट ये टैबलेट दिन में 1 से 2 बार अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ले सकते हैं। साइड इफेक्ट इस टैबलेट के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणाम। यदि आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको बताए कि कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको बताए कि कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसके इस्तेमाल से आपको पेट दर्द, जलन, सीने में दर्द, मितली, अपचन, कब्ज, खुजली ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इस टैबलेट को यूज करते समय सावधानियां। इस टैबलेट को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को न दें। गर्भवती महिलाएं इस टैबलेट को यूज न करें। अगर आपको लीवर या फिर किडनी से जुड़ी कोई समस्या हो या फिर आपको अस्थमा दमा हो तो भी आप इस टैबलेट का यूज न करें। अगर आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है या फिर आपको इस टैबलेट के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है तो आप इस टैबलेट का यूज न करें। अगर आप पहले से ही कोई अन्य टैबलेट या मेडिसिन ले रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दें। इस वजह से इस टैबलेट का ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। इस टैबलेट के इस्तेमाल के पहले या इस्तेमाल के बाद अल्कोहल का प्रयोग न करें, इससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन डोज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।